अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग ऐसा करें कि अपनी टेक्स्ट बुक्स ओपन कर लें, ताकि जो स्टेटमेंट है उसको अंडरस्टैंड करते जाएं साथ साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहा है कि सर्टन ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल हैज डेंसिटी ऑफ 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, यानी कि एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल है प्रोटीन का, जो जिसकी डेंसिटी गिवन है हमें। तो वो डेंसिटी मैंने यहाँ पे रॉ जो है वो लिख ली हुई है, डेटा आप जो गिवन था मुझे। इफ इट फॉल्स थ्रू प्योर वाटर, ये एक प्योर वाटर से फॉल करता है, यानी कि ये मैंने ना, इसको आप देखें, अगर ये कोई यानी कि टैंक है वाटर का, और ये आपका जो मॉलिक्यूल था प्रोटीन का, वो यहाँ से वाटर में से फॉल करता हुआ नीचे आ रहा है, और वाटर की जो यहाँ पे डेंसिटी है वो हमें गिवन थी, वो थी 8.0 क्रॉस 10^-4 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर सेकेंड। तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया उसकी। विद अ टर्मिनल स्पीड, उसकी टर्मिनल स्पीड भी गिवन है, VT 3.0 सेंटीमीटर पर आवर। फाइंड देयर रेडियस ऑफ द पार्टिकल, हमने इस ग्लोबुलर प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल था उसका रेडियस फाइंड आउट करना है, यानी आर यहाँ से हमने फाइंड करना है। सबसे पहले आपको पता है, प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हम सब क्वांटिटीज के यूनिट्स को SI यूनिट में लिखते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो हमें SI यूनिट में नहीं गिवन, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पता है वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे पहले मीटर में, तो 10^-2 आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है आर को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो 1 आवर में 60 सेकंड्स, और एक आवर में 60 मिनट्स, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये मैंने यहाँ से जो है उनको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये पर आर है, तो ये आर नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो मैंने इस तरह इसको राइट डाउन कर लिया हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8.33 × 10^-6 मीटर पर सेकेंड। अब आपने यहाँ से रेडियस फाइंड करना है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, तो डेफिनेटली आप उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया था उसी को यूज कर लेंगे। वो था आपके पास VT = 2gr² rho/9η। तो आपको चूंकि यहाँ से आर स्क्वेयर चाहिए, तो आर स्क्वेयर को आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर लें, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें आर स्क्वेयर के लिए। ये 9η इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने ये इस तरह बन गया। बाकी 2g और जो आपके पास रॉ है वो डिवाइड हो जाएगा नीचे आके, तो मैंने ये इक्वेशन को इस तरह से रीअरेंज कर लिया हुआ है। अब आपने सिंपल वैल्यूज यहाँ पुट करनी है और इसको सॉल्व कर लेना है। देखें, 9 को वैसे मैंने लिख दिया, ईटा हमें गिवन था, यानी कि उसकी जो डेंसिटी थी वाटर की वो थी 8.0 × 10^-4, तो वो मैंने लिख ली है, और साथ टर्मिनल वेलोसिटी की जो वैल्यू थी वो भी गिवन थी, तो वो भी यहाँ पे पुट कर दी है। बाकी 2 वैसे आ जाएगा, रॉ जो उसकी विस्कोसिटी थी वो भी गिवन थी, वो मैंने लिख ली है, और साथ यहाँ पे 9.8g की वैल्यू है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, तो आंसर आएगा आपके पास इस तरह से। अब चूंकि ये आर स्क्वेयर है, तो आपने आर फाइंड करना है, इसका आप स्क्वेयर रूट ले लें बोथ साइड, तो ये सिंप्लीफाई हो के जो आपके पास आंसर आएगा रेडियस का, वो ये आ जाएगा 1.56 × 10^-6 मीटर। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है उसमें कह रहा है, वाटर फ्लोज थ्रू अ होज, वाटर फ्लो करता है एक होज में से। ये होज मैंने यहाँ पे, यानी एक पाइप है, वो पाइप मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, उसमें से वाटर फ्लो कर रहा है, हुज इंटरनल डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर, यानी कि उसका जो इंटरनल डायमीटर है वाटर का, अंदर से जो, यानी अगर हम देखें तो वो डायमीटर उसका आएगा 1 सेंटीमीटर। तो मैंने वो डायमीटर लिख लिया है 1 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि एट अ स्पीड ऑफ, इस एंड से जो, यानी कि इसका जो, यानी कि आप कह लें कि फर्स्ट एंड है इसको ना, आप यूं समझें, यहाँ मैंने 1 लिख दिया है, इस तरफ 2 लिख दिया है। जो इसका यानी कि ज्यादा डायमीटर था वहां पे 1 आप यूज करेंगे जो भी क्वांटिटी आएगी, और जो स्मॉलर डायमीटर है वहां पे आप 2 यूज करेंगे हर क्वांटिटी के लिए। अब उसने कहा है कि वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वाटर जो है
इस पाइप में से फ्लो करता है, उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, तो मैंने वो लिख दिया, V1 कह दिया उसको। और उसने कहा है कि आप ये बताएं कि व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल, उस नोजल का डायमीटर क्या होगा जिसमें से वाटर जो है वो इमर्ज कर रहा होगा, ऑफ द नोजल इफ द वाटर इज टू इमर्ज एट 21 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहां से अगर वेलोसिटी दी हुई है हमें V2 21 मीटर पर सेकेंड, और हमसे पूछा यह गया है कि आप ये बताएं कि इस नोजल का डायमीटर कितना होना चाहिए ताकि जो वाटर है वो इतनी वेलोसिटी के साथ यहाँ से फ्लो कर सके। तो ये फिगर से मैंने आपको बता दिया, समझा दिया कि ये किस तरह से जो इसकी जो स्टेटमेंट दी थी उसको हमने किस तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है। बाकी डायमीटर पूछा गया है तो आप अपना डाटा देख लें, डाटा में आपको वेलोसिटीज गिवन है और डायमीटर पूछा गया है। आप अगर मैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज कर लूँ यहाँ पे, तो आपको पता है क्या होती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, A1V1 = A2V2। लेकिन यहाँ पे एरिया हमें नहीं गिवन, तो मैं ऐसा करता हूँ कि एरिया को चेंज कर लेता हूँ डायमीटर में, क्योंकि हमारे पास यानी कि ये पाथ मौजूद है, इस तरह हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखें, आपको पता है एरिया जो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये जो पाइप है ये भी सर्कुलर पाइप है, होज जो है आपके पास, तो इसका एरिया मैंने यहाँ पे लिख लिया है पाई आर स्क्वायर। और लेकिन यहाँ पे रेडियस भी हमारे पास मौजूद नहीं है, हमें डायमीटर की तरफ जाना है। तो आपको पता है डायमीटर जो है वो अगर हम डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो रेडियस आता है हमारे पास, यानी कि जो आप यूं भी कह सकते हैं कि डायमीटर बेसिकली रेडियस का 2 टाइम होता है। तो मैंने आर की जगह फिर D/2 पुट कर दिया है, और ऊपर स्क्वेयर था तो स्क्वेयर वैसे का वैसा ही आ जाता है। अब जहां जहां इक्वेशन नंबर 1 में जहां जहां ए आएगा, A1 आए या A2 आए, वहां पे मैं पुट करूंगा पाई D/2 होल स्क्वेयर। नाउ इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दिस। इक्वेशन 1 आप वापस ले आते हैं, देखते हैं ये रिड्यूस हो के कहां जाती है पाई, ये तो आप वैसे लिख देंगे पाई, A1 की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ पाई D/1/2 होल स्क्वायर। तो ये पाई वैसे आ जाएगा D/1/2 होल स्क्वायर, और ये वाला जो V1 था ये वैसे साथ हमने लिख दिया, इक्वल टू A2 की जगह भी हम क्या पुट करेंगे पाई D/2/2 होल का स्क्वायर। तो ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, और V2 आप वैसे लिख देंगे। अब जो चीजें यहां से कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल कर दें, और साथ आप स्क्वेयर भी ओपन कर दें, जब पाई को पाई से कैंसिल कर दें, और जब ये स्क्वेयर ओपन करेंगे D1 स्क्वेयर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपके पास 4, और इस तरफ भी D2 स्क्वेयर, और नीचे भी क्या आ जाएगा 4। अब 4 ये वाला डिनोमिनेटर में और इस साइड पे जो 4 है इनको आप कैंसिल आउट कर दें, और पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी जो चीज आपके पास बचेगी वो है D1 स्क्वायर V1 = D2 स्क्वायर V2। अब आप देखें डेटा जो मैंने लिखा था वहां पे हमें D2 चाहिए, यानी कि नोजल का जो डायमीटर था वो कैलकुलेट करना था, तो D2 को मैंने इसी साइड पे रख लिया है, V2 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है अगर मैं रीअरेंज कर लूँ स्केयर खत्म करने के लिए, तो स्केयर रूट ले लूंगा ऐसे, बाकी आप सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। आपने D1 की वैल्यू क्या है आप देख लें, ऊपर D1 की वैल्यू थी 1×10⁻², तो मैं वो पुट कर दूंगा, ये पुट की है, V1 मेरे पास थी 1 मीटर पर सेकेंड, और V2 जो था वो 21 मीटर पर सेकेंड था। इसको जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आंसर आपके पास पहले आएगा मीटर में, तो उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो डायमीटर गिवन था वो सेंटीमीटर में गिवन था D1 का, तो आप बेहतर है कि इसको सेंटीमीटर में ही ले जाएं, अदरवाइज आपका आंसर मीटर तक भी जो है वो करेक्ट कंसिडर होगा। तो ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है पहले उसको देखें, उसमें कह रहा है हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट, सॉरी मैंने 7 रीड करना शुरू कर दिया, 3 है, 3 में कह रहा है द पाइप नियर द लोअर एंड ऑफ अ लार्ज वाटर स्टोरेज टैंक डेवलप्स अ स्मॉल लीक एंड अ स्ट्रीम ऑफ वाटर शूट्स फ्रॉम इट। कहते हैं एक वाटर का टैंक है जो मैंने ड्रॉ भी किया यहाँ पे, देखें ये टैंक है, और इसके यानी के बॉटम से जो है वो लीकेज स्टार्ट हो जाती है, जहां से यानी के बिल्कुल बॉटम एंड है उसका,
टॉप ऑफ द वॉटर इन द टैंक इज 15 मीटर अबव द पॉइंट ऑफ लीक, जहां से लीकेज स्टार्ट हो रही है वहां से लेकर टैंक की टॉप तक की जो हाइट है वो हमें गिवन है कितनी, 15 मीटर। तो मैंने वो भी यहाँ पे लिख ली है, गिवन डाटा में भी आप साथ साथ जो है वो चीजें लिखते जाएंगे। हाइट यहाँ पे 15 मीटर है। अच्छा, तो इसके दो पार्ट्स हैं। ए पार्ट में हमसे पूछा ये गया है कि विद व्हाट स्पीड डज द वॉटर रश फ्रॉम द होल, कहते हैं इस होल में से कितनी स्पीड के साथ वॉटर जो है वो फ्लो करके जा रहा होगा, शूट आउट हो रहा होगा। तो मैंने इसको ए पार्ट में हमसे वेलोसिटी पूछी गई है, तो वेलोसिटी मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर ली हुई है कि ये हम फाइंड करेंगे। बी पार्ट में कह रहा है इफ द होल हैज एन एरिया, अगर इस होल का एरिया जो हो वो 0.060 सेंटीमीटर स्क्वेयर, हाउ मच वाटर फ्लोज आउट इन 1 सेकेंड। लेकिन वो पूछ रहा है कितना वाटर जो है फ्लो करेगा 1 सेकेंड में। तो आपको याद होगा जब हमने क्वेश्चन किया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में फ्लो रेट की जो है वो डिफाइन बताई थी मैंने आपको, उसके जो यूनिट से वो भी डिराइव किए थे हमने। तो बेसिकली यहाँ से वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हमने निकालना है जो होता है फ्लो रेट के इक्वल। तो अब आप यहाँ से जो है वो निकाल लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आता है। ये मेरे पास आ जाएगा, ए पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं। ए पार्ट में कह रहा है अकॉर्डिंग टू टोरिसेलिस थ्योरम, टोरिसेलिस थ्योरम आप यूज कर लें क्योंकि आपने पहले वेलोसिटी निकालनी है ए पार्ट में। टोरिसेलिस थ्योरम क्या है, 2g h1 - h2 और इसकी स्क्वायर रूट है। अब आप देख लें यहाँ से आपने वैल्यूज पुट करनी है सिंपल, लेकिन जो टैंक है ना वो टैंक बिल्कुल अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, सरफेस के ऊपर है। ग्राउंड से उस होल तक या उस लीकेज का जो पॉइंट है वहां तक की जो हाइट है वो क्या है, 0। तो मैंने H2 को यहाँ पे 0 कंसिडर किया है और इसको आप H1 भी कह सकते हैं, ये मैंने H लिखा हुआ है, इसको आप H1 कह लें तो बेहतर है। और अगर मैं वैल्यूज यहाँ रिप्लेस करूँ तो आपको पता है मैंने क्या कहा है कि H2 यहाँ पे क्या है, 0, क्योंकि टैंक से जो यानी कि लीकेज तक, लीकेज जहाँ से हो रही है वो तकरीबन जो है ग्राउंड के ऊपर ही पड़ा हुआ है, तो हाइट वहां पे हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। और जब 0 पुट करेंगे तो h जो है वो h1 के इक्वल आ जाएगा, आप 2g h1 बच जाएगा, h1 की जगह मैं h पुट कर दूंगा तो ये इस तरह आ जाएगा। बाकी आप वैल्यू पुट कर दें सिंपली, 2g की वैल्यू 9.8 और हाइट जो थी h1 थी आपके पास, ये h थी वो 15 मीटर थी यानी कि ग्राउंड से उस टॉप तक की, तो वो मैंने यहाँ पे 15 मीटर पुट की है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 17.14 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम देखते हैं जो उसने सेकेंड पार्ट में पूछा था कि आप ये बताएं कि फ्लो रेट क्या होगा या फिर जो वॉल्यूम है वाटर का एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम जो है वो फ्लो कर रहा होगा वाटर, हमने वो कैलकुलेट करनी है चीज। तो आपको याद है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जब हमने की थी तो उसके एंड में जो इक्वेशन निकाली थी वो थी ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर मैंने ये बताया था आपको कि बेसिकली जो ए वी है वो फ्लो रेट होता है। फ्लो रेट का मतलब ये है कि एक जो मीटर क्यूब है किसी भी यानी कि पाइप का जो मीटर क्यूब वॉल्यूम ले लें, उस वॉल्यूम में से एक सेकंड के अंदर कितना जो है वो वाटर फ्लो कर रहा होगा वो उसे कहते हैं फ्लो रेट। तो ये फ्लो रेट हमने निकालना है यानी कि ए वी इक्वल होता है फ्लो रेट के। ए यहाँ पे एरिया है तो एरिया यहाँ पुट कर देते हैं, ये एरिया आपको गिवन था ऊपर 0.06, लेकिन ये गिवन था आपको सेंटीमीटर स्क्वेयर में। तो आपको पता है जब मीटर स्क्वेयर में कन्वर्ट करना होता है 10^-2 लगाते हैं, लेकिन ये अगर मैं आपको ऊपर जो है वो दिखा सकूं ये चीज, ये देखें सेंटीमीटर का स्क्वायर था ना, तो एक जो आपके पास सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10^-2 लगाना होता है, हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो 10^-2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि ये स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो वो 10^-4 आ जाएगा और मीटर का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आप सिंपल यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस करें, एरिया की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दें एरिया की, और जो वेलोसिटी आपने कैलकुलेट की थी ऊपर उस होज उस लीकेज वाला जो पॉइंट है वहां से जितनी वेलोसिटी के साथ वाटर फ्लो कर रहा था वो आपके पास थी 17.14, तो वो मैंने यहाँ पे रिप्लेस की है।
आप जब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर आपके पास आएगा। यूनिट्स कैसे आए हैं, यूनिट्स आपको जो है वो डिराइव भी कर सकते हैं, वैसे मैंने डिराइव करके भी दिखाया थी आपको उस टॉपिक में, और बताया था कि जो फ्लो रेट होता है उसके यूनिट्स होते हैं मीटर क्यूब पर सेकेंड, या इसको ना सेंटीमीटर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं हम सेंटीमीटर क्यूब में। कैसे करेंगे ये मैंने यहाँ पे ना कॉर्नर में आपको जो है समझाने के लिए लिखा है कि एक सेंटीमीटर इक्वल होता है, प्रीफिक्सेस वाला टेबल आपने याद किया होगा, 10^-2 मीटर के इक्वल होता है। जब मैं इसका स्क्वायर ले लूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो इस साइड पे भी स्क्वायर आ जाएगा, वो आपके पास बनेगा 10^-4 मीटर स्क्वायर। और जब मैं इसका क्यूब लूंगा इसी 1 सेंटीमीटर का, तो इस साइड पे क्यूब आएगा, और 10^-2 का जब आप क्यूब लेंगे तो 10^-6 आ जाएगा, और ये मीटर का क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि 10^-6 मीटर क्यूब की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। तो वो मैंने ये 10^-6 मीटर क्यूब की जगह जो है वो सेंटीमीटर क्यूब पुट किया है, और बाकी S-1 वैसे ही आ गया, तो 102 यानी कि फ्लो रेट जो होगा वो इतना, यानी कि 102 जो है वो सेंटीमीटर क्यूब वाटर फ्लो कर रहा होगा एक सेकंड में उस लीकेज वाले पॉइंट से। तो ये था उसका आंसर जो फ्लो रेट हमने कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर की जो स्टेटमेंट है इसको पहले रीड आउट कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है जो वाटर इज फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज पाइप सिस्टम, एक क्लोज पाइप सिस्टम है जिसमें से वाटर स्मूथली फ्लो कर रहा है। एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ द वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड, एक एंड के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर जो वन पॉइंट है उसके ऊपर जो स्पीड है उसकी वो 3 मीटर पर सेकेंड है। तो मैं ऐसे करता हूं कि मैं उस पाइप को बना लिए, मैंने यहाँ पे एक एंड जो एक पॉइंट है उसको मैंने कह दिया है कि 1 पॉइंट, और दूसरा जो है 2 पॉइंट है, अपर एंड है वो डेफिनेटली, और यहाँ पे आपके पास उसको मैंने 2 का नाम दे दिया है। उसने जो बात की है, यानी कि अब मैंने इसको नाम अगर 1 का दिया है ना, तो इस जगह पे जो वेलोसिटी होगी उसको मैं V1 कहूंगा। इस एंड के ऊपर जिस प्रेशर के, यानी कि जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा वाटर इस पाइप के ऊपर, उसको मैं P1 कहूंगा, और अपर एंड के ऊपर जो है वो वेलोसिटी को V2 कहूंगा, और प्रेशर को P2, और अगर हाइट की बात होगी तो वो भी H1 H2 हम इस तरह से डिफरेंशिएट कर लिया करेंगे। अच्छा, उसने कहा व्हाइल एट अनदर पॉइंट, दूसरे पॉइंट के ऊपर अगर हम आ जाते हैं, वहां पे जो पॉइंट है 3 मीटर हायर है, इसका मतलब ग्राउंड जो है, ये वाली जो सरफेस है ग्राउंड की, ये एंड तो बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसकी हाइट जो है वो H1 कंसिडर कर ली है। और जो दूसरा एंड है आपका अपर एंड, उसके ऊपर आप देखें वो ग्राउंड से तो कुछ हाइट के ऊपर है, तो वो सपोज कर लेते हैं जो उसने वैल्यू दी भी हुई है हमें, कि वो 3 मीटर हाइट के ऊपर है, उसको मैंने H2 का नाम दिया है कि वो 3 मीटर है। अच्छा, और उसकी जो स्पीड है इस पॉइंट 2 के ऊपर वो है 4 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने वो V2 कह दिया उसको। इफ द प्रेशर इज 80 kPa एट द लोअर पॉइंट, अगर लोअर पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है, यानी कि P1 फिर मैं उसको लूंगा, वो है 80 kPa, व्हाट इज द प्रेशर एट द अपर पॉइंट, जो अपर पॉइंट है यानी कि सेकेंड पॉइंट, ये वाला सेकेंड एंड है, उसके उसमें जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। तो मैंने P2 यहां से फाइंड आउट करना है। आपको पता है अगर मैं बर्नौली इक्वेशन को यूज कर लूं तो जो है वो किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, बर्नौली इक्वेशन का फॉर्मूला आपको पता है, P1 + 1/2 रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ GH1 इक्वल होता है P2 + 1/2 रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ GH2। अब चूंकि मुझे P2 निकालना है तो इस P2 को मैं रखता हूं इसी साइड पे, बाकी ये पूरी जो यानी कि इक्वेशन है यहां से जो क्वांटिटीज हैं उठा के मैं ले आऊंगा राइट साइड पे, तो वो इधर आगे क्या हो जाएंगी, माइनस। तो ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं ये यहां से माइनस हो गई हैं। अब आप कुछ जो चीजें कॉमन आ रही हैं वो कॉमन ले लें, ये P1 वैसे लिख दिया मैंने, प्लस 1/2 रॉ, ये V1 स्क्वायर है और ये क्या है V2 स्क्वायर, यानी कि इस क्वांटिटी में से और इसमें से 1/2 रॉ कॉमन आ रहा था, तो मैंने ये कॉमन निकाल लिया है 1/2 रॉ, और ये V1 स्क्वायर वैसे आ गया, माइनस V2 स्क्वायर। और इसी तरह से
ये वाली क्वांटिटी और एक ये एंड वाली, इन दोनों में से जो चीज कॉमन है वो है रॉ जी। तो मैंने ये रॉ जी को लिख लिया कॉमन इनटू एच टू ये वाली, और ये जो आपके पास है एच वन ये आ जाएगा। माइनस क्यों साथ आया, क्योंकि जब बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वाली प्लस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी कि हमें साइन यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अब आपने सिंपल यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है और आंसर इसका जो है वो निकाल लेना। देखें प्रेशर जो पी वन था वो 80 पास्कल गिवन था हमें, 80 किलो पास्कल, तो किलो को आप चेंज कर लेंगे पास्कल में 10^3 लगा के, तो वो मैंने यहाँ पे 10^3 जो है वो पुट की है। प्लस 1/2 रॉ डेंसिटी है वाटर की, आपको पता है कितनी होती है, 1000 मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो वो पुट की है। वी वन की वैल्यू गिवन थी, वी टू की दोनों पुट की है, स्क्वायर ले लिए है, माइनस रॉ वही दोबारा आप पुट करेंगे। डेंसिटी जी की वैल्यू पता है आपको 9.8, और एच वन जो है वो आपको पता है मैंने यहाँ पे जो है वो एच टू को 0 लिया था। एक मिनट, ये एच टू को कहा था, एच वन को कहा था, एच टू माइनस एच वन है ना, ठीक है। एच टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और एच वन को मैंने हाइट जो थी वो 0 ली थी, क्योंकि जो लोअर एंड था पाइप का वो ग्राउंड के ऊपर ही पड़ा हुआ था, तो इसलिए ग्राउंड से उसकी हाइट जो है वो 0 थी। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे जब कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपके पास आंसर आएगा 47.1 × 10^3 पास्कल। लेकिन पास्कल को आप जो है वो किलो पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10^3 को खत्म कर लें, यहाँ पे के लगा दें, अदरवाइज आपका आंसर यहाँ तक भी करेक्ट होगा। इसका हिंट भी वैसे दिया जा सकता है कि किलो पास्कल में कन्वर्ट हम क्यों करते हैं। आप देखिए ना, प्रेशर अगर जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो दी हुई है हमें किलो पास्कल में, तो फिर बेहतर ये होता है कि आप अगर जो पी वन किलो पास्कल में गिवन था, तो जो पी टू आप फाइंड करें वो भी किलो पास्कल में कर लें। वैसे अगर नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अच्छा, आज के टॉपिक का लास्ट प्रॉब्लम है 6 5। इसमें क्या है, आज जो हम यानी कि यही कवर करेंगे, पांचवा है इसकी जो स्टेटमेंट में क्या है, एन एयरप्लेन विंग इज डिजाइन सो दैट, यानी कि एक जहाज का जो पर है उसको ऐसे डिजाइन किया गया है सो दैट व्हेन द स्पीड ऑफ द एयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द विंग इज, जब यानी कि टॉप विंग आपको याद होगा इस चैप्टर के, जब मैंने लास्ट में एक टॉपिक करवाया था जहां पे हमने ये देखा था कि वो जो जहाज है वो ऊपर किस तरह से उठता है, तो उसमें विंग को ड्रॉ भी किया था, और उसमें ये बताया गया था कि पर को डिजाइन ऐसे किया जाता है कि ऊपर वाली साइड के ऊपर जो वेलोसिटी होती है एयर की वो ज्यादा होती है, तो वो हमें गिवन है V1 450 मीटर पर सेकेंड, और V2 यहाँ पे भी गिवन होगी डेफिनेटली हमें, वो है द स्पीड ऑफ एयर बिलो द विंग, यानी कि उस पर के नीचे से जो हवा जा रही होगी उसकी जो स्पीड है वो 410 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे डेंसिटी डेफिनेटली हमें एयर की गिवन है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो वो मैंने यहाँ पे लिख ली हुई है। उसके बाद जो चीज पूछी गई है हमें वो है व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द विंग्स। देखिए वो ये कह रहा है कि टॉप और बॉटम के दरमियान जो प्रेशर होगा उनमें कितना फर्क आएगा, डिफरेंस कितना आएगा, तो यानी मुझे P2 - P1 यहाँ से कैलकुलेट करना है। आप देखें कि P2 में से ही P1 क्यों निकाला गया है। आपको याद होगा कि जब मैंने बात की थी ये कि प्रेशर जो होगा विंग के नीचे वाली साइड पे ज्यादा होगा, ऊपर कम होगा, तभी जो है वो जहाज ऊपर की तरफ उठेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने अपर एंड को V1 कहा है, तो फिर जो लोअर एंड होगा उसकी जो वेलोसिटी है V2 है, तो लोअर एंड पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, अपर एंड पे कम होना चाहिए, इसलिए मैंने लार्ज क्वांटिटी में से स्मॉलर क्वांटिटी को माइनस किया। तो ये जो है इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। अब मैंने ना H1 को H2 के इक्वल, क्योंकि हाइट हमें दी नहीं हुई कि जो विंग है वो कितनी हाइट पे है जमीन से, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि H1 H2 के इक्वल है, यानी कि जो अपर यानी कि टॉप है उस विंग की उस तक की हाइट जो है वो H1 है, और लोअर जो यानी कि बिलो द यानी कि जो है आपका विंग है उस तक की जो हाइट है वो H2 है, वो आपस में अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, क्योंकि जो विंग है वो बहुत ही थिन हमने एज्यूम कर लेना है कि बहुत उसकी जो थिकनेस है बहुत ही कम है,
तो थिकनेस अगर कम है तो फिर हम एच वन एच टू के बराबर ही यानी कि ले सकते हैं, से मैंने कहा कि इसको एच के इक्वल पुट कर देंगे। तो अगर मैं इसको बर्नौलीज इक्वेशन को दोबारा यूज कर लूं, पी वन प्लस वन बाय टू रॉ वी वन स्केयर, वही इक्वेशन मैंने सॉरी राइट डाउन की है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एच वन को एच के इक्वल पुट करना है और एच टू को भी एच के इक्वल पुट कर रहे हैं, क्योंकि उस विंग की जो थिकनेस है वो बहुत थोड़ी है, कम है, तो उस उनकी हाइट में कोई फर्क नहीं आएगा ज्यादा, इसलिए हमने एच वन को एच टू के इक्वल पुट किया। तो मैं जहां जहां एच वन आएगा, जहां जहां एच टू आएगा, दोनों की जगह एच पुट कर दूंगा। तो ये मैंने यहां जब पुट किया, अब दोनों क्वांटिटीज ये वाली हो गई एक जैसी, तो फिर ये कैंसल आउट हो जाएंगी, यानी कि रॉ जी एच को लेफ्ट साइड वाले को और राइट साइड वाले को मैंने कैंसिल कर दिया है। बाकी जो इक्वेशन आपके पास रिड्यूस होके बन गई है, पी वन प्लस वन बाय टू रॉ वी वन स्क्वायर इक्वल टू पी टू प्लस वन बाय टू रॉ वी टू स्क्वायर। अब जो चीज आपने फाइंड करनी है, यानी कि आपको प्रेशर डिफरेंस चाहिए था, तो आप वो निकाल लेंगे। यानी कि मैं ऐसा करता हूँ कि पी वन को रखता हूँ इसी साइड पे, पी टू को इधर ले आता हूँ ना, क्योंकि पी टू माइनस पी वन हो जाएगा इक्वल टू वन बाय टू रॉ। आपको पता है अब क्या होगा, पी टू इस तरफ था, ये इधर आया था, तो फिर ये वाली जो क्वांटिटी होगी राइट साइड पे, इसको मैं इधर ले जाऊंगा। यानी कि आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं यहाँ पे अगर करना चाहें तो, आपकी मर्जी है। आपने याद ये रखना है कि पी टू माइनस पी वन यहाँ से आपने फाइंड करना है। तो आप देख लें, इन दोनों क्वांटिटीज में से, इस क्वांटिटी में और इसमें से वन बाय टू रॉ कॉमन आ रहा था, तो मैंने इसको कॉमन निकाल लिया, वी वन स्केयर माइनस वी टू स्केयर। अब रॉ की जो डेफिनेटली जो डेंसिटी है वाटर की, वो हमें गिवन होती है, कॉन्स्टेंट है, तो वो पुट की है। उसके बाद आप यहाँ पे जो वैल्यू है वी वन की, यानी कि जो अपर साइड पे जो स्पीड थी वाटर उसकी एयर की, वो पुट की है, माइनस लोअर साइड पे जो स्पीड है वो पुट कर दें आप दोनों। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। अच्छा, मैंने ना कहीं मिस्टेक की है, सॉरी, ये जो डेंसिटी वाटर की नहीं पुट करनी है आपने, यहाँ पे डेंसिटी पुट करनी है आपने एयर की, क्योंकि जो आपका एरोप्लेन है तो एयर में से फ्लो कर रहा होता है। ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे डेंसिटी जो है वो 1000 लिख दी है, इवन कि आपके क्वेश्चन में भी उसने बता दिया है कि डेंसिटी एयर की 1.29 केजी है। तो आप इसको ठीक कर लेंगे, नहीं तो मैं भी इसको ना, ये जो है ये इक्वल है 1.29, ठीक है जी। इस 1000 की जगह आपने 1.29 जो है वो रिप्लेस कर लेना है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आपके पास ये 22.188 क्रॉस 10^3 पास्कल, ठीक है जी। ये इसको पास्कल को आप फिर किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपका जो है ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, आंसर यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो मैं जो है आज का लेक्चर यहीं तक स्टॉप कर देता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो होपफुली कॉलेज में ही होगा, डेफिनेटली फिजिकल क्लासेस होंगी आपकी, तो वहाँ पे फिर हम जो बाकी प्रॉब्लम्स रह गए हैं आपके 5 को कल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।